देखो शादी के जोड़े में बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। बाजार खाने का मजा कुछ अलग ही है क्योंकि हम खाएंगे यहाँ पर नेपाली स्टाइल में पूरा अपने हाथ से। हमारे क्या है रे, मुझे लगा कि दुल्हन आ गया। नाना बेना जीजा जी गुड मॉर्निंग गाइस टसिटिले से वारे फेफुल नमस्ते। दिस इज योर दर्शन थामंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन व्लॉग्स। तो गाइस टाइटल और थंबनेल देखो फिर से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे गांव में फिर से शादी, और शादी किसका है, हमारा बहन का। और हमारा बहन मतलब व्लॉग में नहीं आया हुआ लेकिन हमारे है तो बहन कजन सिस्टर, और जो ठुलिया माँ ना तो ठुलिया माँ का वो पोती है। पोती पोती मीन्स मतलब नातिनी हम बोलते हैं अपन अपने नेपाली लैंग्वेज में। तो हमारे हुए बहन, सी इज माई कजन सिस्टर, और उनका शादी है तो अभी मतलब जाए। और सोल्टी जी का मतलब अपना बहन है। तो चलो गाइस चलते हैं अभी शादी में। और देखो गाइस मम्मी जी गिफ्ट पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे मतलब शादी में जो कहीं कहीं लोग यहाँ से गिफ्ट खरीद के लेके जाते हैं। ऑर्डर को यहाँ बनी रहेगा। और मम्मी जी के बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं जब भी शादी बर्थडे कोई भी किसी चीज होते है ना। तो क्या सेट है मम्मी जी, दिखाई दो इसको। डुंगा सेट है, डिनर सेट ना, डुंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे गिफ्ट है। मम्मी जी का छोटा सा बिजनेस मम्मी जी का छोटा सा बिजनेस के गर्नु, नोकरी छैन अब यस्तै गर्नु पर्यो, सानो तिनो भात खाने मेलो त गर्नु पर्यो। हुबु यहाँ उयो छ दाल मखनी, दाल मखनी छैन नि, कुन छ होला मसाला, पनीर मसाला छ होला, छोला मसाला, पनीर मसाला लग्यो अघि, कसले लग्यो, बिरयानी मसाला है, छोला मसाला है, सब्जी मसाला है, चिकन मसाला है। डैड तो ऑलरेडी नीचे चला गया है ठीक शादी वाले घर में, और मम्मी और अश्विनी आएगी बाद में। और मुझे थोड़ा सा फुटेज लेना है मतलब ड्रोन शॉट वगैरह वगैरह। तो चलो चलते अभी नीचे। गुड मॉर्निंग सर, आप लोग किधर जा रहे हो सुबह सुबह, शादी में इन्वाइट है? ठीक है ठीक है, ओके ओके। बुलाता है तो क्या करे, बुलावा है तो जाना ही पड़ेगा है ना। ओ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। राम सर, राम सर, र तपाईको हरि सर एन्ड विजय सर। थैंक यू आंटी जी। हजुर, शादी का काम कंप्लीट करके अभी घर जाके तैयार होके आना है। अगे आंटी कस्तो थियो, अब कस्तो भएर आउँछ देखो। आंटी जी मतलब सुबह सुबह मतलब पूरा काम करके आए शादी में। ठीक है, मम्मी जी को भी तैयार करके लेके आना। तो देखो गाइस यहाँ से हो गया मतलब शादी का डेकोरेशन शुरू, और देखो बैलून वैलून लगा के पूरा चकाचक बनाया यहाँ पर। ये है वेटिंग रूम जहाँ पर आके जंती लोग बैठेगा और अच्छे अच्छे पकवान खाना वाना खाएगा। और देखो टाइमिंग लाइट सजा के कितना अच्छा बनाया है। तो चलो अभी नीचे चलते जी। हमारे मामा जी अभी मामा जी बन गए ससुर जी, और यानी कि दुल्हन के डैड। मामा जी कैसा लग रहा है अभी? अभी अच्छा लग रहा है, अभी तो मैं सब अरेंजमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा। सब लोगों ने हेल्प किया, देखो कितने अच्छी तरह से ये बनाया, मंडप बनाया जहाँ पर रहेगा दुल्हा दुल्हन, और ये सब लोग ने मिल के बनाया। मामा जी भी खुश, सब लोग खुश है ना। मैं अभी कितने बजे आएगा दुल्हा दुल्हन? 10:30 बजे। 10:30 बजे आएगा। भांजा को खादा, थैंक यू मामा जी। अभी लग रहा है कि मैं शादी में आया। ठीक है ठीक है। डैडी जी जानती आई नहीं, खंती लेके किधर जा रहे हो आप? अरे काम बाकी है, 4 दिन हो गया कंप्लीट नहीं अभी। सब लोग तैयार हो रहा है। ये हमारे मामी जी दुल्हन के मम्मी जी, और ये है श्वेता, स्पेशली हम इसको माऊ बोल जाते हैं निकनेम। तो तैयार नहीं हुआ कि ऐसा है गेटअप? नहीं अभी रेडी होना बाकी है। ठीक है ठीक है, बाद में खींचेंगे अच्छे से ब्यूटी ब्लॉग है। ठीक है ठीक है। और गाइस वेलकम टू शादी, वेलकम। देखो अच्छी तरह से बैलून वैलून लगा के सजा के चकाचक बना दिया है। मामा जी सब लोगों को खदा लगा रहे, वेलकम कर रहे। और ये है हमारे ठुली अमा आ रहे आराम से साड़ी वाड़ी पहन के। आओ ना आओ ना आओ ना, एदा फर्किन एदा फर्किन। तो गाइस ये हमारे ठुली अमा, तो जिसका शादी हो रहा है ये उनके नानी माँ है, दादी माँ है। तो इनके पोती का शादी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको पता है कि मतलब हमारे ठुली अमा कितना मेहनत करता है, तो आज तो पूरा मस्ती भरा दिन होगा। कस्तो लाग्दैछ आमी? दामी। नातिनी को शादी ब्याह दामी, खुसी लाग्यो? खुसी लाग्यो। ल अहिले खिचिदिन्छु ल फोटो। ल ल चलो गाइज, अभी कुछ माहौल ऐसा है तो यहाँ पर नीचे क्या क्या हो रहा है, कुछ पक रहा है, कुछ पता नहीं क्या क्या है आइटम्स, देखेंगे अभी नीचे जाके। ठीक है, देखा देखो ये क्या है, मटन है? मटन मटन मटन, देखो स्पेशल मटन,
मटन का चर्बी दिखा दे क्या कितना का मटन है? दो साल का मटन है। दो साल का मटन है एकदम घर में पाला हुआ मटन है इसका। ये देखो गाइस ये है मटन गटन गटन ये खाने से सुतन। देखो गाइस विलेज का शादी ऐसा होता है मतलब खेतों में पकता है खेतों में खाता है और बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर कैसे जाना पड़ेगा पता नहीं। यहाँ पर बर्तन वर्तन धोने के लिए पूरा मैनेजमेंट किया है। इसके अंदर पानी कितना है? ओ यार पानी बहुत डैम डैम है पानी। और यहाँ पर बारी में साग भी है। और देखो इधर से भी आ रहे हैं लोग उधर से भी आ रहे हैं ऐसा ही है रस बड़ा ये हन मैं को चाय पी रहा हूँ। ओहो चाय तभी तभी। और गाइस देखो यहाँ पर खेतों में बहुत ही हरा भरा ऑर्गेनिक साग लगा हुआ है। और यहाँ पर कुछ पकवान पक रहा है। देखो चाउमीन के लिए रेडी नूडल्स चावल बन रहा है। और हमारे मामा जी भी। और मामा जी आज क्या हो रहा है थोड़ा बताइए जरा। प्लेन राइस बन रहा है ना? प्लेन राइस बन रहा है। कहाँ पर है राइस तो नहीं है? हो गया पक गया वो रेडी हो गया। ऐसे क्यों रखा फिर प्लास्टिक में? डाल दी ना गर्म होगा ना ये। ओ गर्म रहेगा मामा जी का आइडिया अच्छा है। 24 घंटा गर्म रहेगा ना ये। ये कितना कितने लोगों के लिए हो जाएगा ये? वो तो मेरे को मालूम है आदमी कितने खाता है वो तो पेट के वजह से होता है ना। पेट देख के होता है? पेट देख के होता है। कोई बड़ा पेट होता है कोई इतना खाता है वो छोटा पेट होता है। पानी हेर न उछिटो छिनो तिमीले हैन माथि चलाउँदै छ रे के एकछिन पछि ए आज एक दिन ठीक अनि एकछिन बन्दै अफि जाउँ न। ठीक है ठीक है अभी जाएंगे थोड़ी देर में। ओके बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बन रहा है। हे पानी स्टा भी आया है उधर। हां हम कितना दे रहे हैं? हां अंकित जावला देखा दिया लोगे। देखो यहाँ पर चाउमीन के लिए इंग्रेडिएंट्स हाय मास्टर चेफ छोड़ दी पिता क्या हो रिकॉर्डिंग दे यहाँ पर क्या हो रहा है भैया जी? ओ नैपकिन वेपकिन ठीक है। देखो ये पूरा बुफे सेट जहाँ पर अभी खाना वाना लगेगा। अभी यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है खाली है बाद में दिखाऊंगा आपको। गाइस यहाँ पर कोने कोने में खाना पक रहा है आपने को देखा ऊपर भी खाना पक रहा था नीचे भी खाना पक रहा है। और यहाँ पर देखो अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर चिकन मटन फिश सब पक रहा है। और यहाँ पर स्पेशल कुक अंकल जी क्या है ये चिकन? चिकन अरे वाह देख के मुँह में पानी आ रहा है यार। चलो अच्छा है। और ये क्या है दाल? दाल कौन सा वाला दाल है ये? मक्खनी दाल। मक्खनी दाल दाल ये जो कर रहा है को यहाँ पर है चाय का डिपार्टमेंट जहाँ पर बन रहा है आग में। यहाँ पर लोकल ऑर्गेनिक गोरखे किचन में बन रहा है चाय स्पेशल ब्लैक टी वाला उसमें टी स्टेट का चाय पत्ती है ये। चलो ये देखो ये चिया हो सबै सरी ये पानी है पानी। मतलब दिन दिन एउटा ब्ल्याक टी स्पेशल ब्ल्याक टी खाएंगे ताकि एनर्जी आए। और अभी मैं ये खा के ड्रोन उड़ाऊंगा चाय पियेंगे चाय चाय हजुर। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा लेडीज डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर क्या है ये साग यहाँ के गांव के विलेज का लोकल ऑर्गेनिक साग पक रहा है। पक रहा है पक नहीं रहा है मतलब अभी इसको कटिंग हो रहा है ये कच्चा है। इसको जी क्या बनता है साग का पकौड़ा? पकौड़ा साग का पकौड़ा बनेगा बाद में। ब्लैक टी अरे बाबा कच्चा बादाम। ओहो देखो आंटी जी अभी तैयार होके आ गई। और सुबह कैसा था और अभी कैसी होके आ गई देखो चेंजेस जैसी नहीं अभी है। अभी लग रहा है कि आप शादी में जा रहे हो। और ये पीछे पीछे दो हमारे क्या है रे मुझे लगा कि दुल्हन आ गया। दुल्हन आ गई ओ ममता दी ने दिया है आउनु हुँदैछ ल बाई बाई आउँदैछ ल भाई। सब लोग अपने अपने गिफ्ट लेके जा रहे दो दो गिफ्ट किसके लिए? एक बेवला के लिए एक बेवली के लिए।
आज तो यार मम्मी जी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। अरे कौन है ये? पहचान नहीं है। अभी तो लोग थे अली यहाँ। ये क्या है? घंटी। आधी आधी की तो का है वो 5500 ट्रंस का चुनका है। अरे अब देखो मेरा बाल। ये बाल क्या हो गया? दिखा तो। मामी जी मेरा आज तो नौचीने भरा कर से वो। मामी जी। हाय। सुनो बहुत यार बात सुना। सिक्किम चाइन देव ने उठा। मेकअप करना पड़ेगा ना छोला थोड़ा थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा शादी आज। देखो गाइस दावी बाबी क्यूट क्यूट होके आ गया है। आंटी निकल रहा है। माया की खानो ना। निकल आंटी ता। लो 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 सायरम बने। सायरम बने। ये हमारे आंटी जी क्या है ये? सेल रोटी। सेल रोटी। सेल रोटी स्पेशल दामी दामी। और हमारे ठुलिया माँ ब्यूटी सेल रोटी। यहाँ मेरो नाम के दे सबैलाई बारी युट फेरे सर्च गरेर दर्शन गर्न भनेर साझौ माया राख्छु तिमलाई कल्पना दियो तिमीले भनेर। एक्चुअली यहाँ पर ना सब लोग पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर वेट कर रहे हैं दुल्हा दुल्हन का, और दुल्हा दुल्हन यहाँ से आएगा ये वाले रास्ते से ऊपर। और हमारे कल्चर में हमारे ट्रेडिशन में हम क्या करते हैं, जो दुल्हा दुल्हन आने वाला रास्ते है बीच में ऐसे टेबल रखते हैं और उनको कुछ शगुन देते हैं, खाने के लिए पीने के लिए कुछ देते हैं। और ये हमारे कल्चर में ऐसा ही करना होता है। और लाइक गेट पास उन लोगों को कुछ देना होता है, दुल्हा दुल्हन को कुछ देना होता है, तभी ये लोग ये रास्ता छोड़ेंगे। तो ये एक हमारे रिचुअल्स है, तो इसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कि अभी नीचे से आ रहे हैं जंती। हम जो दूल्हे वाला घर से आते हैं ना, हम उन लोगों को बोलते हैं जंती। तो जंती आ रहा है तो उन लोगों का हम यहाँ पर वेलकम भी करेंगे। चलो अभी देखते हैं। देखो गाइस अभी सब लोग यहाँ पर जंती का वेट कर रहा है, कब जंती आएगा और सब लोग वेलकम करेंगे, ऐसा वेटिंग कर रहे हैं अभी। और बैकग्राउंड में आप देख सुन सकते हैं नेपाली फोक म्यूज़िक। और यहाँ पर हमारे टार्जन भाई भी है। टार्जन भाई भी अपना व्लॉग बना रहे हैं, इसका नया नया चैनल रिसेंटली ओपन हुआ है। चैनल का नाम क्या रखा तुमने? टार्जन भाई। टार्जन भाई इसने अभी नया चैनल खोला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस इसका चैनल। पिछले बार बनाया कौन सा, कितना वीडियो अभी? 4-5 चार पांच वीडियो डाल दिया इसने ऑलरेडी। माया कहाँ गयो? हरा दे सो सॉरी कि पाइन मैले त। ये हमारे कजन सिस्टर निकिता। हेलो। कहाँ पर तुम्हें ब्याह हो? रम्बी। रम्बी रम्बी में अभी शादी हुआ इनका, और देखो शादी के जोड़े में बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। ये देखो जंती गेम खेल रहा है अभी। आओ ना यार जूस खानो। जंती भाई गेम बंद करो अभी। तो गाइस देखिए अभी यहाँ पर हमारे कुछ रिचुअल्स फॉलो करना है। ये सारे लड़की के तरफ से घर वाले हैं, और यहाँ पर लड़कों के तरफ से मतलब दुल्हा के तरफ से आए हैं, और ये है दुल्हन की तरफ से। ठीक है, तो सब लोग मैं भी दुल्हन की तरफ से यहाँ पर जाना पड़ेगा। इधर टर्जन भाई इधर
हमारे ठुलिया मा अलिक यता अ निकाल अलिक ल हैन आखामा बोलम न ल दर्शन न निकालै चाचा थाता थाता हैन अझ पर्सन त मात्र डराउनु पर्दैन त्यस कारण गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ सेलरोटी स्पेसल जन्तीलाई हेलो देखो गाइस हाम्रो ड्याडी जी बिहा गए मम्मी जी बिहा गए मम्मी त फुल नेपाली ट्रेडिसनल गेटअपमा गुड मर्निङ वेलकम टु सादी वेलकम टु सादी गिफ्ट लिएको देखो अभी यहाँ पर पूरा जनती पार्टी को मेहमान नवाजी हो रहे जो जो सेलरोटी विश्वास भाई पर हमारे सोईता क्या है चाय 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 नहीं कॉफी है कॉफी हो ये दुल्हा दुल्हन खाना कर खाना कैसा लगा खाना अच्छा है टेस्टी है यहाँ पर मछली फ्राई हो रहा है निश्चलदा माछा स्पेशल क्या हो ये साग का पकौड़ा बन रहा है गाइस देखो गर्मा गर्म हाम्रो भेना जीत जात जी हाम्रो पकौड़ा ये किस चीज का पकौड़ा है राय साग का पकौड़ा स्पेनिश पकौड़ा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पकौड़ा स्पीड छ त अन्त भेना अरे डिमांड ही कुछ ज्यादा हुआ है ये स्पीड करना पड़ रहा है सही सही मछली ये देखो इसको कहते हैं भट्टर जहाँ पर लोग खाना खाते हैं ऐसे देखो थाली में पूरा भर भर के खसी का मासू भात भाई भाई पूछे भाई दामी दामी तेरी है ना क्या भागो गरम गरम राइस खसी का मासू किधर है आ रहा है आ रहा है ये आ गया आ गया आ गया आ गया मासू मटन राइस सचिन दा प्लेट बाँड रहे थैंक यू जी ओ माय गॉड राइस बाँडने वाला आदमी पसीना पसीना हो गया देखो थैंक यू जी हो गया अर्जुन भाई इसका तो डाइट अच्छा है तीन बार डाल हो गया बस खसी के मासू अरे पूरा समुंदर बहेगा यार खसी के मासू का देखो यार आपका देखेंगे मेरा तो पीस में तो सूप सूप वो देखो आप सूप अलग सूप अलग सूप अलग सूप अलग सूप अलग सूप अलग ठीक है आप इंजॉय करो ठीक है चलो चलते हैं अभी ठीक है वैसे ना खाना तो बुफे में बहुत अच्छा है लेकिन ये बाजार खाने का मजा कुछ अलग ही है क्योंकि हम खाएंगे यहाँ पर नेपाली स्टाइल में पूरा अपने हाथ से और ये है मटन स्पेशल वाला बहुत ही अच्छा है अच्छा है यहाँ पर दादा भी है देखो कैसा है मटन राइस अच्छा है बहुत अच्छा है टेस्टी है टेस्टी अभी आया अरे रोहित दा ये गोरखे चटनी थोड़ा समय में दीजिए यार थैंक यू सचिन भाई चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए तो दुल्हन दुल्हा यहाँ पर है और ये यहाँ पर है मामी जी माइजू और यहाँ पर हमारे मामा जी और दुल्हन के मॉम डैड और यहाँ पर भी हमारे मामा जी हेलो टीका हो गया ना अभी लगाएंगे ठीक है तब लाइस ओके ठीक है थैंक यू एउटा सेल्फी खिच्नु मजा ल ओके थैंक यू बेटा यहाँ चाहिँ हाम्रो लोकन्ती बहिनी यसरी अब गरेर खान्छु भनेर बिहा भएर गएको त्यसरी गरेर खानुपर्छ मम ड्याड यहाँ पर अभी गिफ्ट टिका लगानेको लिए जा रहे आन्टीजी ड्याडीजी हाम्रो बहना ठुलियामा क्या हो फेटा फेटा मानेर हाम्रो
हामी त तर जोडी हो सधैँभरि ल फोपोकोबाट सानो भेट ल यो दादाकोबाट म होलाई जिजाजी करिश्मा दिदी काफी दिन के बाद ब्लॉग में दिखाई दे रहे भाई हाम्रो सक्यो और हमारे गोपाल मामा भी आ रहे लास्ट में निकिता का मामा ओरिजिनल मामा ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं अब ओरिजिनल है हम ए माइजू है माइजू अर्चना को देखो हमारे क्लास लेके अभी आप नहीं डालेंगे क्यों कट कर देंगे है अभी ये ग्लास एक्सपेंसिव हो गए क्योंकि अर्चना ने पहना है ना मेगा कल मेगा ला लाइदेऊ त है त मेरो बियर्ड आमा यसको कपाल चाहिँ आज क्या माल बाल क्या बोलते चाउमिन ये तो स्प्रिंग है ना स्प्रिंग चाउमिन बिग्रिन छ मेरो कपाल त चाउमिन अरे मलाई त राम्रो पिछले बार मैं मार्बिंग गया था ना मार्बिंग वाले शादी में बहुत सारे सब्सक्राइब मिले थे लेकिन वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाए लेकिन आज यहाँ पर हमारे विलेज में शादी में आए पूरा मारेबुंग का टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ब्लॉग कैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है देखो गाइस आज अर्चना पूरा पैराशूट पहन के आया है यहाँ पर नीचे वो बहुत जाम है उड़ के जाओ अभी अश्विनी तो पिंक पिंक लवली 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 ढोकेटोरा है तो ओपन प्लेस में होना चाहिए था ना ठीक है लेकिन टाइट हो रहा है वहाँ पर सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं डांस कर रहे हैं मजे ले रहे हैं शादी का और नानी माँ यहाँ पर देख रही है सबका डांस डांस करेगा भाई